तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तारक मेहता के सेट की टूर वीडियो, जहाँ आज मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी के कई राज दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको शूटिंग के एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज घूमते हैं गोकुलधाम। तो दोस्तों ये देखिए गोकुलधाम सोसाइटी, जो की फिल्म सिटी में है, और इसमें अंदर जाने के लिए आपको खास परमिशन चाहिए, तभी यहाँ पर एंट्री मिलेगी। दोस्तों मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ कि सोडी गैरेज और कहीं नहीं बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी में ही है, और वो भी अब्दुल सोडा शॉप के बगल में। दोस्तों शो के मेकर्स ने आज तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि सोडी गैरेज सोसाइटी में ही है। दोस्तों अब मैं आपको सोसाइटी के अंदर ले चलता हूँ और आगे आपको अंदर के कई सीक्रेट्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए सोसाइटी बाहर से कैसी दिखती है। अक्सर हमें सोसाइटी के जो सीन्स दिखाए जाते हैं वो पहले से ही रिकॉर्डेड होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के कैंपस में लाइटिंग कैमरा वगैरह सारे शूटिंग के सामान रखे रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं तारक मेहता और अंजलि मेहता के घर। तो दोस्तों देखा आपने, घर में एंटर करते ही बस एक गली है जो कि अय्यर और बबीता के बिल्डिंग के एंट्रेंस पर निकलता है। दोस्तों शो के मेकर्स इतनी खूबसूरती से सारे शूटिंग करते हैं कि आज तक किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई घर नहीं बल्कि एक शूटिंग का सेट है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आप सभी के फेवरेट जेठालाल के घर का सेट दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ भी कोई कमरा नहीं है, ये भी बिल्कुल खाली है। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई रूम वगैरह तो है ही नहीं, तो फिर रूम की शूटिंग होती कहाँ है। दरअसल दोस्तों रूम की शूटिंग गोकुलधाम सेट से कुछ दूरी पर होती है। शो के मेकर्स कुछ इस तरह से शो के टाइमिंग को मैनेज करते हैं कि इंडोर शूटिंग सारी एक जगह हो जाती है और आउटडोर यानी कि गोकुलधाम की शूटिंग एक बार में हो जाती है। दोस्तों तारक मेहता शो के कलाकारों के साथ साथ शो के मेकर्स की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से हमें इन सब चीजों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सक्लूसिव शूटिंग वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों मैं आपको अब दिखाता हूं पोपट ताल की बालकोनी वाली शूटिंग वीडियो। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोई रूम या सीढ़ी वगैरह तो है नहीं, तो ये फिर बालकोनी में कैसे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनके बालकोनी में जाने का सीक्रेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इस पर जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों देखिए अब्दुल की दुकान की शूटिंग कैसे होती है। आज मैं सबको ऐसी थोड़ा पिलाऊंगा ना, ऐसी थोड़ा पिलाऊंगा ना, ना। दोस्तों देखिए शो के सितारे शूटिंग के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ शूटिंग के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए एपिसोड नंबर 1161 की बिहाइंड द सीन शूटिंग वीडियो। दोस्तों इन एक्टर्स को कभी कभी 16 से 18 घंटे तक भी लगातार शूट करना पड़ता है, पर जैसे ही एक्शन बोला जाता है ये फिर से वापस एक्टिव होकर एक्टिंग करने लगते हैं। दोस्तों शो के सभी एक्टर्स हमें एंटरटेन करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खड़े
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों तारक मेहता शो से रिलेटेड सभी अपडेट और न्यूज बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।